Hello friends, welcome to the desk Deva English Spoken Classes. Please do watch this channel. By watching this channel, you can surely learn English. Thank you. फ्रेंड्स, ये रहा पिछली क्लासेज में दिए गए सेंटेंसेस के आंसर. आप अपने बनाए हुए आंसर से इसको टैली कर लेना, ठीक है फ्रेंड. आईना और परछाई के जैसे मित्र रखो, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास. फ्रेंड्स, इट्स अ रेनी सीजन, इट्स रेनिंग आउटसाइड and it's very beautiful. The sight is the pleasant. Do you like the rainy season? Some people like and some people don't like the rainy season. Okay, leave it and we'll talk about the today's topic. Friends, today I am going to teach you about the use of may. मे का इस्तेमाल हम कैसे, कहाँ और किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स. तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, मैंने आपको कैन पढ़ाया, यूज ऑफ कैन, कुड, कैन हैव एंड कुड हैव. Now, today I am going to teach you the use of may. Okay, तो चलते हैं विस्तार से बोर्ड पर सीखते हैं कि may का इस्तेमाल हम कब, कहाँ और किस तरह के sentences के लिए करते हैं. Okay friends, come. Use of may. सबसे पहले जब हम अपने लिए किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसका होगा मे आई. इसमें हमेशा मे आई होगा, मे ही ये सब नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड. मे आई प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स. क्या मैं अंदर आऊं, या आ सकता हूं, ठीक है फ्रेंड. ये सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसका इस्तेमाल बचपन से ही लोग शुरू कर देते हैं, लेकिन काफी बड़े होने के बावजूद भी नहीं समझ पाते कि ये चीज क्या है. मेरे क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं, जब उनको मैं ये चीज़ पढ़ाना शुरू करता हूँ तब उनको समझ में आता है कि अच्छा, तो मैं ये बोल रहा था. मीन्स हम लोग बचपन से ये बोलते आ रहे हैं कि मे आई कम इन सर, मे आई गो टू टॉयलेट सर, ये सभी जानते हैं बोलना, लेकिन एक्चुअली में ये जानते नहीं कि ये चीज़ क्या है, ठीक है फ्रेंड. तो सिंपल है, क्या मैं अंदर आऊँ या आ सकता हूँ. जब भी हम अपने लिए किसी से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर मे आई का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स. ये मैनर्स शो करता है. ज़्यादातर लोग कैन भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इट इज़ रॉन्ग, बट लैंग्वेज में चलता है. लेकिन अगर हम मे का इस्तेमाल करते हैं तो इट शोज़ द मैनर्स, ठीक है फ्रेंड्स. मीन्स हम हिंदी में बोलते हैं ना कि कृपया बैठिए, क्या मैं अंदर आऊँ, पूछते हैं ना. लेकिन कैन आई, मैं कैन आई कम इन, कैन आई कम इन मीन्स कैन आई कम इन का मतलब होता है एबिलिटी बताई जा रही है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या अंदर आने की मेरे अंदर एबिलिटी है, ये चीज़ बताई जाती है. लेकिन वहाँ पे हम हमें पूछना है तो मे आई का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड. तो क्या मैं अंदर आऊँ, मे आई कम इन. क्या मैं यहाँ बैठूं या बैठ सकता हूँ, ठीक है फ्रेंड. मे आई सिट हियर, बहुत ही इजी है फ्रेंड, वेरी इजी. दिस टॉपिक इज़ वेरी इजी. इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है. जब भी हम
अपने लिए किसी से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर मे आई का इस्तेमाल करते हैं, और बोलना है बस, क्या मैं तुम्हारी बुक लूँ, क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूँ। मीन्स हम पूछ रहे हैं आप खुद के लिए, तो वहाँ पर मे आई का इस्तेमाल करेंगे। मे आई टेक योर बुक, क्या मैं आपकी जगह ले लूँ, मीन्स क्या मैं आपकी सीट पर बैठ जाऊँ, तो मे आई सीट ऑन योर सीट या ऑन योर प्लेस। सीट मीन्स सीट, कन्फ्यूज मत होना, SIT सीट मीन्स बैठना, और SEAT सीट मीन्स जगह, मीन्स जो जगह होती है बैठने की उसको हम सीट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये है हमारा मे का इस्तेमाल। मे का इस्तेमाल रिक्वेस्ट के लिए, एक जब हम अपने लिए रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब हम इस्तेमाल सीखेंगे मे का, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लिख लेना इसको अच्छी तरह से। संभावना में, संभावना क्या होता है, जब हम किसी भी बात को मिस फ्यूचर या प्रेजेंट की बात हम संभावना में करते हैं। मैंने आपको कूड का भी इस्तेमाल बताया था, लेकिन कूड का इस्तेमाल कुछ अलग तरीके से है, और यहाँ पर एक मे का इस्तेमाल हम संभावना के लिए जो करते हैं वो अलग है। फिर हम सेंटेंस के द्वारा समझ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से कि मे का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। फ्रेंड्स, इट्स रनिंग आउटसाइड वेरी हैवीली, सो आप आवाज़ सुन सकते हैं, अगर आपको नॉइज़ आ रहा हो बारिश की, मेरी आवाज़ सुनने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो आई एम सॉरी, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पूरे ज़ोर से बोलूँ और बारिश की आवाज़ से ज़्यादा आवाज़ मेरी सुनाई दे आपको। ठीक है फ्रेंड, तो संभावना में हम मे का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम संभावना में कोई बात करते हैं, जैसे शायद मैं वो बंगला खरीद सकता हूँ, शायद मैं वो बंगला खरीद सकता हूँ, मीन्स ये मैं संभावना में बोल रहा हूँ कि शायद कीमत ज़्यादा होगी तो नहीं भी खरीद सकता हूँ, लेकिन मेरे मेरी बजट में होगी तो मैं खरीद लूँगा, मीन्स खरीद सकता हूँ। इसमें नहीं भी खरीद सकते और खरीद भी सकते हैं, तो आई मे बाई दैट बंगलो, तुम्हारे पिताजी कल आ सकते हैं, तुम्हारे पिताजी कल आ सकते हैं, मीन्स तुम्हारे पिताजी कल आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, दोनों बात हो सकती है। इसके लिए हम इसको संभावना में बोल रहे हैं, और इसमें मे लगाकर बनाएंगे, योर फादर मे कम टुमारो। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड, मीन्स जब हम किसी भी बात को संभावना में बोलते हैं कि वो काम हो भी सकता है, जैसे मैं कल आ सकता हूँ और नहीं भी आ सकता हूँ, दोनों बात हो सकती है, तो दोनों ही बातों को हम एक ही सेंटेंस में कह सकते हैं, आई मे कम टुमारो, मीन्स आ भी सकता हूँ नहीं भी आ सकता हूँ, शायद वो तुम्हारी मदद करे, मीन्स शायद वो तुम्हारी मदद कर सकता है, वो तुम्हारी मदद कर सकता है, मीन्स हम संभावना में बोल रहे हैं कि वो तुम्हारी मदद कर भी सकता है और मदद नहीं भी कर सकता है, तो फिर हम उसको मे में बनाएंगे कि ही मे हेल्प यू। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी कि मे का इस्तेमाल हम कब, कहाँ और कैसे और किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद। फ्रेंड्स, ये रहा आज के लिए आपका होमवर्क, आप इन सेंटेंसेस को अच्छी तरह से समझ कर बना लेना। ठीक है फ्रेंड, ओके बाय।